Going to start the class. I'm going to start the session, in fact, not class. Yes, dear. Today I brought topic the self-driven. The topic is self-driven. What is the meaning of self-driven and how the self-driven potential and self-driven mechanism just burn your potential, turns your potential into action. सबसे पहले हमको सेल्फ ड्रिवेन बनना है. आज हम इस बात को बात करेंगे सेल्फ ड्रिवेन क्या होता है. देखिए, जो खुद से संचालित होता हो उसे सेल्फ ड्रिवेन कहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू जस्ट कंडक्टेड बाय अदर्स. हम लोग देखिए ना, अपने आप को अपने से ड्राइव नहीं करते, दूसरे से ड्राइव करवाते. भैया सुबह जगना भी है तो मोबाइल से कहते हैं जगा दो, ठीक है. उसके बाद अगर ट्यूशन चले गए, कोचिंग चले गए, वहाँ जाके टीचर से बोलते हैं नौकरी दिला दो, ठीक है. अगर किसी ने आके कह दिया कि मेरी इनसे जान पहचान है तो भाई पैर भी कर लो, थोड़ा नौकरी दिलवा दो. या कह दिया किसी ने कि कोई काम है और वो काम कोई कर सकता है, उसके पास जाके बोलते हैं मेरा काम करवा दो. ये हम लोग की आदत पड़ी हुई है. हमेशा हम क्या करते हैं, अपने से नहीं संचालित होते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू हैव द यू नो ड्राइवर्स. सबको ड्राइवर चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए. क्यों भाई, क्यों ड्राइवर चाहिए? अगर ड्राइवर चाहिए तो बताओ गाड़ी पर चलोगे कैसे, गाड़ी चले पीछे सीट पर बैठ के चला पाओगे क्या? उस गाड़ी को कैसे चलना है, कौन चलाएगा? ड्राइवर. आप अपने को जब खुद चलाते नहीं हो, खुद संचालित नहीं करते, तो आपको कोई और चलाता है और संचालित करता है. तो जब वो चलाएगा आपको तो किसके हिसाब से चलाएगा? अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से? अपने हिसाब से. तो जब वो अपने हिसाब से चलाएगा तो फिर आपकी इच्छा, आपकी वांट्स, आपकी नीड्स, आपकी ड्रीम्स पूरा होगा नहीं होगा? किसकी वांट्स पूरा होंगे, किसकी ड्रीम्स पूरा होंगे? किसकी? चालक की, ड्राइवर की. सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसी पे कि हमारा ड्राइवर कौन है. हु इज़ योर ड्राइवर? आप लोगों को मालूम है आपका ड्राइवर कौन है? कितने लोगों को लगता है को खुद से चलाते अपने आप को? आप ड्राइवर हो, दूसरा कैसे कंट्रोल कर सकता भैया? कैसे? आप मुझे बताओ, आप ड्राइवर हो, आप कैसे दूसरे से कंट्रोल हो जाओगे? आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आपके ब्रेक, आपके क्लच, आपके एक्सेलरेटर. जस्ट टेल मी कि वो गाड़ी कैसे दूसरा चला रहे हैं? चला रहे हैं? नहीं चला रहे. बट आप चलाते अपने नहीं हो, चलवाते दूसरे से हो और कहते हो कि मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. अगर तुमको चलाए कोई और तो अपने डेस्टिनेशन लेके जाएगा, तुम्हारे डेस्टिनेशन लेके जाएगा. अच्छा, कौन चलाता है आपको? ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको चलाता कौन है. कौन बोला? पेरेंट्स. बस चलो, भाई साहब ने बताया कि पेरेंट्स चलाते हैं. चलो, और इनको तो पेरेंट्स चलाता है, और किसी को कोई चलाता हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम लोग डेली ये सोच कहते हैं मुझे, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरे को जो मर्जी हो मैं करता हूँ. लेकिन आपको चलाता कौन है? तो पता चलता है कि कोई और चला रहा होता है आपको. ड्राइवर कोई ड्राइवर वो मोबाइल भी है जो सुबह जगने के लिए आपको जगाता है. चलाता है वो, ड्राइव करता है. जग तो जगते हो आप, ठीक है. ड्राइवर बहुत सारे लोग ड्राइवर हैं आपके लाइफ पे. जैसे एक पेरेंट्स नाम लिया तो उस पर बात करने पड़ेंगे हमको. पेरेंट्स में भी ड्राइवर, पेरेंट्स भी आपके ड्राइवर हो जाते हैं कभी कभी. और कई दफ़ा आप सोचते हैं मैं तो ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ. भैया कैसे करोगे? पापा ने आपके ओर ड्राइव किया तो अपने डेस्टिनेशन लेके जाएंगे ना. हैं, कहाँ लेके जाएंगे? कहेंगे सर
कब कहा गलत जगह ले जाएंगे, लेकिन तू ये भी तो मत बोल कि हम कुछ करना चाहते थे, हमारी इच्छा ये थी और पूरा नहीं हुई। जब तुम खुद ड्राइवर नहीं है, तू खुद ड्राइव नहीं कर रहा है, तो फिर इच्छा क्या पूरा हो गई। तो सबसे पहले टुडे आई ब्रॉट द टॉपिक टू व्हाट सेल्फ ड्रिवेन, हाउ टू बिकम सेल्फ ड्रिवेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू कंकर द एनी काइंड्स ऑफ डिफीट, इफ यू वांट टू कंकर द एनी काइंड्स ऑफ फियर थ्रेट, जस्ट बी सेल्फ ड्रिवेन। सबसे पहले अगर दुनिया के कोई भी डर को अगर हराना है, कोई भी असफलता को अगर हराना है, कोई भी इल्यूजन को अगर हराना है, तो सबसे पहले सेल्फ ड्रिवेन बनो। जस्ट वेक अप विद द आइडिया, सिट विद द आइडिया, स्टैंड विद आइडिया, लिव विद आइडिया, टॉक विद आइडिया। आप जब सब आइडिया के साथ जीने लगोगे, सेल्फ ड्रिवेन होने के बाद आपको ये सारे आइडिया फ्रूटफुल होते हुए देखेंगे। आपके पास आइडिया तो होते हैं, आपको आइडिया तो हैं कि मुझे पटना जाना है, आपके दिमाग में आइडिया आया, लेकिन आप क्या करते हो, आप जिस गाड़ी में बैठते हो उस गाड़ी के ड्राइवर को बोल देते हो मुझे पटना जाना है, मुझे 2-3 घंटे टाइम है। ड्राइवर को जितने मन करता है तेज चलाता है, जितने मन करता है स्लो चलाता है, जहाँ मन करता है उसको रोकता है, जहाँ मन करता है ब्रेक लेता है, जहाँ जैसे मन करता है वैसे करता है। आप अगर टाइम पे पहुँच गए तो ओके, नहीं पहुँचे तो आप गुस्सा कर रह जाते हो, आप अपने आप पर चिल्ला कर रह जाते हो, अपने को परेशान कर रह जाते हो, अपने मानसिक पर ताना दे कर रह जाते हो, या उस गुस्से को किसी और को बोल कर रह जाते हो। लेकिन आपने एक आइडिया तो तैयार किया, पहले आइडिया तो आपके दिमाग में आया, लेकिन वो आइडिया को चलाने के लिए आपने ड्राइवर दूसरे रख लिया, इसलिए वो आइडिया फ्रूटफुल नहीं होता है। बट टुडे आई वांट टू जस्ट से यू दैट जस्ट बी द सेल्फ ड्रिवेन। सबसे पहले सेल्फ ड्रिवेन बनो। देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन इज द सेल्फ ड्रिवेन बाय बॉर्न एंड सेकेंड सेल्फ ड्रिवेन आफ्टर सर्कमस्टांसेस, आफ्टर हैपनिंग्स एंड मिस हैपनिंग्स। दो तरह के लोग हैं, एक तो इस दुनिया में जो बायबॉर्न हैं उस जन्म लेते हैं उसी समय से सेल्फ ड्रिवेन है, और दूसरा उनको कोई घटना घटती है उनके जीवन में और वो सेल्फ ड्रिवेन हो जाते हैं। सबसे पहले जो बायबॉर्न सेल्फ ड्रिवेन है, वही लोग इस दुनिया में चमक रहे हैं, उन्हीं को लोग रिकग्नाइज करते हैं, और वो कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा खुद को कम्पीट करते हैं, खुद से अपने आप को कंपेयर करते हैं, दूसरे किसी से नहीं करते हैं। सेल्फ ड्रिवेन जो होते हैं वह आइडिया को क्या करते हैं, जीते हैं, और उस आइडिया को सामने ला कर रख देते हैं, और जब फ्रूटफुल हो जाता है तो लोग कहता है ये तो अद्वितीय है, ऐसा पहले किसी ने नहीं सोचा, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले क्या हमको सेल्फ ड्रिवेन होना होगा। ठीक है, अगर आप बायबॉर्न सेल्फ ड्रिवेन हैं तो ठीक है। आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि बायबॉर्न सेल्फ ड्रिवेन है? कितने लोगों को लगता है कि बायबॉर्न सेल्फ ड्रिवेन है? नहीं लगता है। सेल्फ ड्रिवेन का मतलब होता है यस, हमने आइडिया लाया, आइडिया दिमाग ने दिया, और उस आइडिया पे बिना किसी के कहे हुए उस आइडिया पे हमने काम करना शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं कि सर आइडिया हम लाएंगे कहाँ से? आइडिया लाने के लिए आपको आपके पास एक ऐसा टूल्स है, उस टूल्स के बारे में जितना बोलो वो कम है, जितना समझो वो कम है, और मुझे लगता है कि आज तक किसी ने इसको समझ ही नहीं पाया पूरी तरह से। वो टूल्स है आपका ब्रेन। वो टूल्स ब्रेन जो है, ब्रेन के साथ एक कंसेप्ट है, कंपेल द टास्क इन टू ब्रेन, ब्रेन प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। जैसे मैं इसको बड़ा सरल शब्दों में बोल दूँ कि जब आपको किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसको कौन सा गाली देंगे कि उसको ज़्यादा बुरा लगेगा, ये कोई आके पड़ोस में बताता नहीं है, उस समय आप सेल्फ ड्रिवेन हो जाते हो, और उस समय आपके आइडिया होता है ऐसे बोलूँगा जिसको ज़्यादा बुरा लगेगा, और ब्रेन उसी हिसाब से गाली खोज खोज के देता है। यही नहीं, आप कई दफ़ा किसी को मारने पीटने के लिए सोचते हो, आपको कोई आके नहीं बोलता कि आप कैसे मारोगे तो उसको ज़्यादा चोट लगेगा, आपके दिमाग में आइडिया आता है, आप उस समय सेल्फ ड्रिवेन होते हो और वो आइडिया फ्रूटफुल होता है, आप उसको मारते हो और उसको चोट लगता है। मतलब सबसे पहले तो आइडिया, दूसरा चीज आइडिया के साथ साथ आपका ये टूल्स का यूज करना, आपके ब्रेन का यूज करना। हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट पुटिंग द टास्क असाइड द ब्रेन एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट हैव द रिजल्ट। हम लोग क्या करते हैं कि
टास्क को साइड में रख देते हैं और ब्रेन को अलग रख देते हैं और कहते हैं कि चलो रिजल्ट हो तो कैसे होगा। आप बताओ, जब तक फैक्ट्री में मशीन में प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं डालोगे तो प्रोडक्शन हो के क्या आएगा। तो रॉ मटेरियल खाली है, मशीन खाली है, वो टूल्स खाली है, और उस खाली टूल्स के साथ आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि आपका क्या हो, प्रोडक्ट बन के तैयार हो। तो प्रोडक्ट बन के तैयार हो पाएगा क्या? सिंपल सी बात है कि आपके आइडिया तो हैं बट यू आर नॉट यूजिंग योर टूल्स विच इज़ रियली ब्लेस्ड बाई द सुप्रीम पावर, सुप्रीम थिंग्स एंड दैट इज योर ब्रेन। वो आपका ब्रेन है और वो ब्रेन को आप कहाँ लगाते हो, कहाँ उस फैक्ट्री को कब चलाते हो। तो उस फैक्ट्री को आप चलाते हो, देखो जहाँ पे आप चलाते हो वहाँ पर वो रिजल्ट देता है। अगर आप बहुत अगर मजाक तरह से बोला जाए तो आप चलाते हो, भाई साहब लोग हैं कुछ लोग वो चलाते हैं कि कौन से लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेना है, और वो ब्रेन क्या करता है, वैसा ही आइडिया को क्या करता है, आइडिया को क्या करता है, सॉल्यूशन लेके आता है, और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो ये आइडिया आपने अपने ब्रेन को कंपेल किया और वो आइडिया पुट करके दे दिया। मैं मजाक में बोला, इस ये समझाने के लिए बोला है कि आप आइडिया को जो आप वेक करते हो, जगते हो, उसी समय से आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। और जब वो आइडिया होगा और आप उस आइडिया को कहाँ डालोगे, अपने ब्रेन में डालोगे कि हे ब्रेन, ये आइडिया है, इस ये रॉ मटेरियल है, इसकी सॉल्यूशन दो, तो ब्रेन आपको उसकी सॉल्यूशन देगा। देखो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं आपके जीवन में जो आपको मतलब क्या करता है, कई दफ़ा आपको पजल कर देता है। लेकिन जो सेल्फ क्या है, ड्रीवेन है, उनको किसी से डर नहीं लगता, उनको डर नहीं लगता कि उनका कोई ले लेगा, उनको डर नहीं लगता कि उनका कोई छीन लेगा, उनको डर नहीं लगता कि उनको लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको डर नहीं लगता कि वो जीवन में जो सोचे वो नहीं कर सकते हैं, उनको डर नहीं लगता कि वो आज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको डर नहीं लगता कि वो अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उनको डर नहीं लगता कि वो लोग क्या कहते हैं, उनको डर नहीं लगता कि लोग कह देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उनको डर नहीं लगता कि मेरे अगेंस्ट में कौन कौन क्या कर रहा है, उनको डर नहीं लगता कि हम अगर जीवन में कुछ करें तो हमारी कम पहचान होगी, उनको डर नहीं लगता, वो सारे चीज़ से डर नहीं लगता जिससे नॉर्मल आदमी को डर लगता है, उस और नॉर्मल आदमी डर के वो नहीं काम करता है। सबसे पहले कि हमको क्या करना है, हमको सेल्फ ड्रिवेन बनने हैं। सेल्फ ड्रिवेन बन गए और हमने आइडियाज़ को पुट कर दिया, बस फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को आप क्या कहते हो, वो अपने काम को नहीं छोड़ते। आप कहता है लोग कह सो सकता है कि आपके बात को लोग दूसरे तरह से ले रहे हो, लेने दो, क्योंकि आप सेल्फ ड्रिवेन हो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सारे बातें मेरे पास आते हैं, खुल के आते हैं। हाल में दो तीन दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि आपका कुछ लोग वहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये सब ठीक है कि इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि लड़के सब ब्रिटिश और अमेरिकन साउंड सीख ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या प्रयोग है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर इंग्लिश शुरू करा तो लड़के कहना क्या था कि सर हिंदी में लिखवा दीजिए। मैंने किसी दिन हिंदी में नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं सेल्फ ड्रिवेन हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, मेरे को कैसे सिखाना है मैं सिखा देता हूँ, और रिजल्ट आपके सामने होता है। जब आप सीख जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि हमने सीख गया। सेल्फ ड्रिवेन जो होते हैं उनकी आइडिया होता है उनके पास, और उनको किसी चीज़ का डर नहीं है कि वो लोग क्या कहेंगे, वो कहाँ फेल हो जाएंगे, कब उनको लॉस हो जाएगा, और उस लॉस होने के बाद क्या परेशानियाँ होगी, उससे उनको डर नहीं लगता। वो क्या करते हैं, आइडिया पुट करते हैं और उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, और तब तक वो वर्क करते रहते हैं जब तक कि पहुंच नहीं जाते हैं। सोच लो, ये सेल्फ ड्रिवेन लोग के लिस्ट में गिना सकता हूँ, अब्राहम लिंकन से लेकर आपके मोदी जी और लालू जी, ये सब सेल्फ ड्रिवेन लोग हैं। ये लोग के पास सेल्फ ड्रिवेन था, इनको कोई लाके आइडिया नहीं दिया था, JP को लाके कोई आइडिया नहीं दिया था, ये सब लोग सेल्फ ड्रिवेन थे। अब्राहम लिंकन अगर 16 बार इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर जाके वो उस देश के राष्ट्रपति बनते हैं, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे आपके पास
सेल्फ ड्रिवन लोग आइडिया को पुट करके उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, और एक दिन जब ऊंचाई तक चले जाते हैं तो लोग कहता है ये तो बहुत नीचे था वहाँ तक पहुँच गया। सबसे पहले कि हमको सेल्फ ड्रिवन का मतलब समझना होगा, और सेल्फ ड्रिवन का मतलब समझने के लिए आपको अपने आप पर एक प्रैक्टिकल करने होंगे, और वो प्रैक्टिकल मैं बहुत दिन से करवा रहा हूँ, हालांकि मैं बोल के नहीं करवा रहा हूँ लेकिन वो करवा रहा हूँ। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब आप सेल्फ ड्रिवन तभी बन सकते हो जब आप सुबह सुबह उठ के बोलो कि मैं लाजवाब इंसान हूँ, लेकिन आप आई एम ग्रेट कभी नहीं बोलते। आप तो सुबह उठते उठते बोलते हो ओ माय गॉड मैं तो एकदम से घटिया हूँ, मेरे घर में तो बस कुछ है ही नहीं, मेरा देखो बेड कितना है, इतनी गर्मी में कुछ है ही नहीं, ना लाइट है ना पंखा है ना कूलर है, बेकार लाइफ है। ये सुबह सुबह आप अपने आप को कोट करते हो, और इसी के चलते आप सेल्फ ड्रिवन नहीं होते हो, आपको दूसरे लोग ड्राइव करते हैं और आप अदर्स ड्रिवन होकर अपने करियर को समाप्त कर लेते हो। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ ड्रिवन आखिर हो कैसे। सबसे पहले सेल्फ ड्रिवन होने के लिए अपने आप को वैल्यू दो। फर्स्ट वैल्यू योरसेल्फ, पहला काम क्या करना है, अपने आप को वैल्यू देना है। आप लोग कितने लोग अपने आप को वैल्यू देते हैं, हाथ थोड़ा उठाएंगे। अच्छा आप लोग सब लोग अपने आप को वैल्यू देते हैं, वैल्यूएबल अपने आप को समझते हैं कि मैं मेरा वैल्यू है, मेरी वर्थ है, मेरी कैपेसिटी है, आप लोग समझते हैं। श्योर हाँ, तब तो एक चीज़ का निश्चिंत है, जितने लोग ये समझते हैं कि मेरी वैल्यू है मेरी कैपेसिटी है वो सेल्फ ड्रिवन ही हैं, वो दूसरा कोई है ही नहीं। सेल्फ ड्रिवन लोग ही समझ सकते हैं कि मेरे पास मेरी अपनी वैल्यू है, मैं एक वर्थफुल इंसान हूँ, मैं वर्थी लाइफ जीता हूँ, वो सेल्फ ड्रिवन लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझने होंगे कि सेल्फ ड्रिवन अगर हैं तो कहाँ हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हैं, किस एस्पेक्ट्स में हैं। आप लोगों को बताऊं, सेल्फ ड्रिवन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ चलने वाले लोग उसके हाथ छोड़ दिए हैं या हाथ पकड़े हैं, वो आगे बढ़ते चला जाता है। कई दफ़ा ऐसा होगा कि जब आप चल रहे होगे सेल्फ ड्रिवन होगे तो कई दफ़ा लोग को लगेगा कि इनकी रास्ते गलत हैं, इनके रास्ते बेकार हैं, इनके रास्ते ख़राब हैं, लेकिन आप पीछे पलट के मत देखो, आप चलते जाओ। सेल्फ ड्रिवन लोग पीछे पलट के नहीं देखता, वो चलते जाता है, पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं हम समझे नहीं, चले तो साथ में ही थे लेकिन पता नहीं हमको समझ में नहीं आया, वो समझ गया अब वो पहुँच गया, हम तो यहीं रह गए। होता है ना, ऐसा होता है आपके साथ कई दफ़ा। आप बैठ के लोग बोलते हैं करे मैंने साथ बोला था, चला मेरे साथ था, वो IAS बन गया और मैं चपरासी भी नहीं, क्यों मेरे से तेज भी नहीं था लेकिन ऐसा क्यों हुआ। बस दोनों में एक अंतर थी कि एक सेल्फ ड्रिवन था और आप सेल्फ ड्रिवन नहीं थे। अगर आप सेल्फ ड्रिवन होते फिर क्या होता, आप भी वहां पहुंच गए होते। तो कई दफ़ा जब आप सेल्फ ड्रिवन होते हैं और आइडिया को लेकर चलते हैं तो कई दफ़ा आपके लोग साथ छोड़ देते हैं। ये मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आई एम वेरी मच सेल्फ ड्रिवन, पूरी से पूरे सेल्फ ड्रिवन हूँ, मेरे को आप नहीं चला सकते हो, कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं चलूँगा ही नहीं तुमसे। मैं एक ऐसा व्हीकल हूँ जिसका ड्राइवर मैं खुद हूँ और उसके इंजन इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसकी ड्राइवरी आपको चलाने नहीं आएगी, करने नहीं आएगी, और ना मैं किसी को सिखाया आज तक कि मेरे को ड्राइवरी करो। बस यही आप लोग को अपने आप को करना है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन पीछे पीछे आ रहा था और कौन छोड़ के चला गया, कौन गाली दे रहा है, देने दो गाली, गाली देने दो, वो गाली कितना एनर्जी का काम करेगा मैं बताता हूँ, बहुत बहुत एनर्जी का काम करेगा वो गाली। मुझे एक दिन मैं कपिल शर्मा शो देख रहा था तो सिद्धू अपनी कहानी बता रहे थे, तो कहानी
तो बोले कि वो पाकिस्तान में जब खेलने गए, सचिन भी थे, 15 साल के थे, बच्चा तो थे, मैंने सचिन को देखा था, बहुत छोटे थे तब, मैं भी छोटा था यार, ठीक है। सोच रहे होंगे आप लोग कि अच्छा बड़े होंगे और सचिन छोटे होंगे, नहीं, तो बहुत छोटे थे उनको, मुझे याद है कि कपिल पाजी अपने गोद में बैठाया करते थे। तो बता रहे थे कि जब वो पाकिस्तान में खेलने गए और एक मैच खेलने के बाद जीरो पे आउट, एक मैच में जीरो पे आउट हो गया और दो मैच में बैठा दिया गया, चौथे मैच में जब आए वो, तो जैसे ही खेलने गए तो वसीम अकरम का बॉल उनके नाक पर लगा और पूरी तरह से ब्लड निकलने लगी। जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर आए और वहाँ पर वो गिरे हुए थे, पूरा नाक से ब्लड निकल रहे थे। दूसरे साइड में सिद्धू जी थे तो सोच रहे थे कि अब तो काम ख़त्म, थोड़ा देर के बाद टीम सिमट जाएगी और हम लोगों का काम ख़त्म, कम से कम इनको झेलना तो नहीं पड़ेगा इतने ख़तरनाक बॉलर को। तभी देखा उन्होंने कि डॉक्टर को उधर से एक आवाज़ आ रही है, नहीं मैं खेलूँगा, मैं खेलेगा करके एक आवाज़ आया। मैं एकदम सोचने लगा ये आवाज़ तो सचिन की है, और देखा कि वो डॉक्टर को धक्का मार के कह रहा है कि तुम बाहर जाओ, मैं खेलेगा। और उस मैच में फिर अगला बॉल आया और उस बॉल को उन्होंने नहीं खेल पाया, लेकिन उस ओवर में 2 चौका मारा और उसके बाद दोनों नॉट आउट होकर उस दिन के खेल को समाप्त किया। समझ रहे हो, वो सेल्फ ड्रिवेन इंसान आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहते हैं, क्योंकि सेल्फ ड्रिवेन था, उसको कोई चलाया नहीं। उन्होंने बोला, सिद्धू ने बोला कि मैंने बोला कि कोई बात नहीं तुम चले जाओ, कहा कि नहीं ये मैच भारत को जीतना बहुत जरूरी है, और ये सेल्फ ड्रिवेन लोग को ही पता है कि कौन सा चीज़ जरूरी है। हम जब दूसरे से संचालित होते हैं, ये जब हमारा ड्राइवर दूसरा होता है तो हमको कुछ पता नहीं, हमको तो बस जिस तरह से चलाया जाता है उसे चल जाते हैं। हमको आज से बनना है सेल्फ ड्रिवेन। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार एक प्रोग्राम को देख रहा था, उसमें किरण बेदी जी की हिस्ट्री चल रही थी और उन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल करा है, और स्ट्रगल करके उन्होंने इतने स्ट्रगल करा है, इतने पेन सहा है कि आज शान से सब लोग नाम लेते हैं कि फर्स्ट लेडी आईपीएस बनी। लेकिन उन्होंने उसके पीछे जो पेन था, वह पेन को उन्होंने कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वो सेल्फ ड्रिवेन थी। बता रही थी कि जब वो पढ़ती थी तो उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि पढ़ो, उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि कोई काम करो। वो टेनिस प्लेयर थी तो बता रही थी कि उनके फादर बोलते थे कि तुम 2-4 राउंड मार लो फील्ड के, तो 2 राउंड एक्स्ट्रा मारती थी। 4 राउंड फादर कहते थे, 2 राउंड एक्स्ट्रा मारती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे फादर का अगर 4 राउंड से है तो मेरे को 2 राउंड एक्स्ट्रा करना है, मुझे तो आगे जाना है, तो 2 कदम आगे चलना है, मुझे 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि वो सेल्फ ड्रिवेन थी। आप सेल्फ ड्रिवेन नहीं हो तो आपको हम बोलते हैं कि बेटा 4 कदम आगे चलना है, 1 कदम के बाद सोचते हैं अच्छा सर तो फिर बोले नहीं कि 3 कदम बच गया है, बोलेंगे तो चल लेंगे। फिर सर बोल लिए एक काम करो, अरे तुम तो पीछे रह गए हो, थोड़ा तेज चलो, फिर 2 कदम बढ़ाते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा सर तो 2-3 कदम चल लिए ना, अब सर नहीं बोलेंगे छोड़ दो। वही सेल्फ ड्रिवेन है, वो सेल्फ ड्रिवेन है, यस सेल्फ ड्रिवेन है, जिन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने आप को अपने हिसाब से अपने आइडिया को फ्रूटफुल करा, अपने आइडिया को अपने ब्रेन में डाला और कहा कि नहीं चल निकल ले। वो रुका नहीं, उसको किसी को धक्का नहीं देना पड़ा, किसी को धक्का नहीं देना पड़ा, हमको तो धक्का देना पड़ता है, डेली धक्का देना पड़ता है। आप सोचो फटाफट हाथ उठा लिए, सर मैं सेल्फ ड्रिवेन। क्या सही में आप सेल्फ ड्रिवेन होते तो कभी फाइन लगाना पड़ता क्लास में? क्या आप सही में सेल्फ ड्रिवेन होते तो क्या आप अब्सेंट होते? क्या आप सही में सेल्फ ड्रिवेन होते तो क्या आप नेगेटिव होते? क्या आप सही में सेल्फ ड्रिवेन होते तो
क्या आप सही में सेल्फ ड्रिवन होते तो इस चीज़ से डरते क्या कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, सेल्फ ड्रिवन होते तो आपको ये सारी चीज़ से डर नहीं लगता। ये सारी चीज़ से डर इसलिए लगता है क्योंकि आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो।